नमस्कार, एनजीएस प्रोविजंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के 11th हाउस की। आज हम जानेंगे कि 11th हाउस से हम अपने लाइफ के किन किन एरियाज को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। 11th हाउस यानी कि हमारे बर्थ चार्ट का एकादश भाव। एकादश भाव को कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन रूल करता है, जिसका स्वामी, जिसके लॉर्ड जो है वो सैटर्न यानी कि शनि है। 11th हाउस हमारे लाइफ में हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे अचीवमेंट्स को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हम अपनी लाइफ में कितना अच्छे से प्रॉस्पर कर सकते हैं, कितनी हमारी जीवन में खुशहाली है, कितनी हमारे जीवन में बरकत है, ये हम अपने 11th हाउस से जान सकते हैं। बेसिकली इसे इनकम और प्रॉफिट का भाव कहा जाता है। ये हमारे जीवन में होने वाले आय के स्रोत बताता है और साथ ही साथ जीवन में होने वाले सब तरह के लाभ, सब तरह के प्रॉफिट एंड गेन्स को भी दिखाता है। उसके बाद ये प्राप्ति का भाव है यानी कि विश फुलफिलमेंट का। इस हाउस से हम अपने इच्छा पूर्ति देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कितने विश जो है विशेष हैं जो फुलफिल हो सकते हैं हमारे जीवन में, हम कितनी इच्छाएं हैं जिसकी हमारी पूर्ति हो सकती है या हमारी पूर्ति होगी, ये सब हम अपने एकादश भाव यानी कि 11th हाउस से जज कर सकते हैं। 11th हाउस हमारे लाइफ के कीर्ति का भाव है, यश का भाव है, मान सम्मान का भाव है। ये हमारे स्टेटस को दिखाता है, हमारी नेम एंड फेम को दिखाता है। जो भी हम अपनी सोसाइटी में गेन कर सकते हैं या अपने किसी भी प्रोफेशन में, सोशल स्टेटस में, किसी भी एरिया में जो भी हमें मान सम्मान मिलता है या हमारी जो रिकॉग्नाइजेशन होती है वो 11th हाउस से देखी जाती है। 11th हाउस को एक्सपेंशन का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला हाउस भी कहा जाता है। जो भी प्लैनेट इस घर में बैठा हो, जिस भी हाउस का वो लॉर्ड हो, उस घर की सारी सिग्निफिकेंसीज को 11th हाउस बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर देता है, बढ़ा देता है। वो सारी चीजें जो है हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकती हैं। 11th हाउस से हम अपने एल्डर सिबलिंग्स को भी देखते हैं। बड़े भाई बहन जो हैं वो भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं। उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, उनके साथ हमारा बॉन्डिंग कैसा रहेगा, उनसे हमें क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा, ये भी हम 11th हाउस से जज कर सकते हैं। चूंकि 11वां भाव जो है वो छठे से छठा है, 6th हाउस से 6th है, इसलिए ये हमारे जीवन में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है। जब भी 11th हाउस की दशा अंतर्दशा चलेगी तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद 11th हाउस जो है वो हमारे फ्रेंड्स सर्कल्स को भी दिखाता है। हमारी फ्रेंडशिप कैसी होगी, हम दूसरों के साथ कितनी, किस लेवल पे जुड़ सकेंगे, कितनी हमारी अटैचमेंट हो सकती है, हम कितने लॉयल हो सकते हैं, कितने कंसर्न हो सकते हैं, ये भी हमारा 11th हाउस दिखाता है। 11th हाउस दिखाता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, हमारे फ्रेंड्स जो होंगे वो लॉयल होंगे या डिसऑनेस्ट होंगे, हमें धोखा देने वाले होंगे या हमारा साथ देने वाले होंगे, ये भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही 11th हाउस को हम विश्वसनीयता का भी भाव कह सकते हैं कि हम फ्रेंड्स फ्रेंडशिप में या प्रेम में हमारा
संबंध या हमारा विश्वास कैसा होगा ये भी इलेवेंथ हाउस दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारा प्रेमी या हमारा दोस्त जो है वो हमारे प्रति कितना लॉयल रह सकता है, ये भी हम इलेवेंथ हाउस से जज कर पाते हैं। उसके बाद जो चर लगन है, जो मूवेबल साइंस हैं, जैसे कि एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, इनके लिए जो ग्यारहवां भाव होता है, जो एकादश भाव होता है, वो बाधक भाव भी कहा जाता है। ये ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस भी देता है। जब भी इस हाउस की दशा अंतर्दशा चलती है तो नेटिव की लाइफ में प्रॉब्लम्स, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। उसके बाद इसको काम त्रिकोण भी कहा जाता है। हमारे बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, इन तीनों हाउसेस को काम त्रिकोण के साथ जोड़ा जाता है। तो इस भाव के साथ, इलेवेंथ हाउस के साथ, हम काम वासना को भी, सेक्सुअल डिजायर्स को भी जोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद इलेवेंथ हाउस जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है, हमारे इकोनॉमिकल स्टेटस को दिखाता है। सेकेंड हाउस के साथ साथ इलेवेंथ हाउस को भी फाइनेंशियल स्टेटस दिखाने के लिए जो ड्यूटी है या जो सिग्निफिकेंसीज है वो मिली हुई है। जितना इलेवेंथ हाउस हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही हम वेल्थी होंगे, हमारा नेम फेम अच्छा होगा सोसाइटी में, हमें हर तरह से रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। ये भी सब हम इलेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। इलेवेंथ हाउस से हम अपनी लाइफ के मटेरियलिस्टिक सुख, जो भौतिक सुख होते हैं, उनकी गणना भी कर सकते हैं। उसके बाद इलेवेंथ हाउस से हम अपनी लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि लेफ्ट आर्म, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, पैरों के ऊपर की लेग्स को भी हम इलेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। जब भी किसी मैलिफिक प्लैनेट का असर या अंतर्दशा दशा कुछ भी चलेगी तो इन बॉडी पार्ट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इलेवेंथ हाउस को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। हमारा कुछ किसी भी तरह का रिलेशन किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े ग्रुप्स में होगा, सोशल ग्रुप्स में होगा, जो सोसाइटी के लिए काम करते हो उन ग्रुप्स के साथ हमारा जो जुड़ाव होगा वो भी हम इलेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद इलेवेंथ हाउस जो है वो हमारी संतान के जीवन साथी को भी दर्शाता है। कुल मिलाके इलेवेंथ हाउस को द बेस्ट हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट कह सकते हैं, क्योंकि इस हाउस में कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये थी इलेवेंथ हाउस की जानकारी मेरी तरफ से। अगले वीडियो तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you for watching the video.